हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मौसमी भट्टाचार्य फ्रॉम शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। आज मैं आपको कक्षा 8 वसंत का पाठ 15 सूरदास के पद फिर से समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ के कवि श्री सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सूरदास का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की ओर स्थित सिही नामक गांव में 1478 ईस्वी में हुआ था। वात्सल्य रस के इस अप्रतिम कवि की मृत्यु 1573 ईस्वी में हुई। भक्त कवि सूरदास ने बालक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। एक बच्चे की सहज मनोवैज्ञानिकता एवं स्वाभाविकता का सुंदर वर्णन इन पदों में हुआ है। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी, च्वे हुए है लांबी मोटी, काढ़त गुहत नहवावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी, सूरज चिर जीवो दो भया, हरी हल मार की जोटी। बालक श्री कृष्ण अपनी चोटी के नहीं बढ़ने से परेशान है। वे माता यशोदा से कह रहे हैं कि माँ, मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम मुझे दूध पीने के लिए कहती हो, मैंने कितना दूध पिया, परंतु मेरी यह चोटी अभी भी छोटी ही है। तुम तो हमेशा यही कहती रही हो कि बार बार कंघी करने एवं गूथने पर यह बलराम की चोटी जैसी लंबी एवं मोटी होकर जमीन पर नागिन की तरह लौटने लगेगी। यह अभी भी छोटी की छोटी ही है। इसी बहाने तुम मुझे कच्चा कच्चा दूध पीने के लिए देती हो और माखन रोटी नहीं देती, परंतु मेरी चोटी अभी भी छोटी की छोटी ही है, वह बड़ी नहीं हो रही है। उनकी बातों से भाव विभोर होकर यशोदा, श्री कृष्ण एवं बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी को चिरंजीव होने का आशीर्वाद देती है। दूसरा पद इस प्रकार है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढंडोड़ी आप ही आयो, खोली की वारी पैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊखल चढ़ी सी के कौलीन हो, अनभावत भूई में ढरकायो, दिन प्रतिहानि होती गोरस की, यह ढोटा कौने ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखे, तै ही पूत अनोखो जायो। दूसरे पद में श्री कृष्ण की शरारती बाल लीलाओं का वर्णन है। एक गोपी यशोदा माँ से शिकायत करते हुए कहती है कि तुम्हारा बेटा श्री कृष्ण मेरा माखन खा जाता है। वह दोपहर के समय घर में आता है और अपने मित्रों के साथ दरवाजा खोलकर आंगन में बैठकर दूध दही सब खा जाता है। रोज रोज इसके कारण दूध से बने पदार्थों की हानि होती है। इसे औरों से अलग मत समझो, क्योंकि तुम ही ने कोई अनोखा पुत्र जन्म नहीं दिया है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि सूरदास जी ने पहले पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा को एवं द्वितीय पद में श्री कृष्ण की शरारतों की व्याख्या की है। इस तरह से दोनों पदों की व्याख्या फिर से की गई। पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द एवं उसके अर्थ इस प्रकार है, अजहू आज भी, बल बलराम, बेनी अर्थात चोटी, हुए अर्थात होगी, काढ़त अर्थात बाल बनाना, गुहत अर्थात गूंथना, भूई अर्थात पृथ्वी भूमि, लोटी अर्थात लौटने लगी, पची पची अर्थात बार बार, हरिहलमार अर्थात कृष्ण बलराम, चोटी अर्थात जोड़ी, पैठी अर्थात घुसकर,
सीके अर्थात छीका, जिसमें दूमा दही आदि रखा जाता है। गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ, दही, मक्खन, घी आदि। ढोटा, लड़का। पाठ को पुनः ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं पाठ के अंतर्गत करवाए गए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं व्याकरण से संबंधित सभी प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें एवं याद करें। पाठ की ससंदर्भ व्याख्या का अभ्यास करें। हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।